हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम शो करवा सकते हैं गूगल एडसेंस एड्स को किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लॉक के अंदर। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट के ऊपर एड शो रही है और एक राइट हैंड साइड में एड शो रही है और नीचे जाके थोड़ा सा तो राइट हैंड साइड में एक और एड शो रही है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर एरिया में कैसे ऐड को फिक्स कर सकते हैं, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था किसी लड़के ने जिसका नाम मुझे याद नहीं है, उसकी साइट ये है थिंक इन पीस। ओके, तो उसने क्या किया था कि अपनी साइट में बॉटम में एड्स को इंसर्ट किया था। एक्चुअली में उसको इंसर्ट नहीं आती करना एड्स किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आप एड को उठा के साइड में कर सकते हो या फिर किसी पोस्ट के ऊपर दिखा सकते हो या फिर हेडर में शो करवा सकते हो एड को। तो इस ब्लॉग के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए ब्लॉग था। तो रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, और अभी इस टाइम इसके अंदर कोई एड्स शो नहीं हो रही हैं। ओके, तो मैंने कोई ऐसा फीचर नहीं डाला है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे हमारे वर्डप्रेस अकाउंट में। मैं वर्डप्रेस में करके दिखाऊंगा, सेम प्रोसीजर होगा दूसरे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए भी, चाहे ब्लॉगर हो, चाहे गोस्ट हो, चाहे वर्डप्रेस हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे अपेयरेंस में। ओके, अपेयरेंस के अंदर हमें बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी, थीम्स, कस्टमाइज, विजिट्स, मेन्यू, हेडर, बैकग्राउंड, एडिटर। तो हमारे पास बहुत सारे वेज होते हैं ऐड को इंसर्ट करने के लिए। तो दो वेज हैं, एक है एडिटर की मदद से। एडिटर की मदद से वो लोग इंसर्ट करते हैं ऐड जिन लोगों को कोडिंग आती है, जिन लोगों को समझ है कोडिंग की। ओके, तो हमारे केस में अभी हम लोगों को कोडिंग नहीं आती है। ओके, हम बिगिनर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम विजिट्स का यूज भी कर सकते हैं। कोडिंग में जाके भी वही सेम चीज़ होगी, विजिट में जाके भी वही सेम चीज़ होगी। ओके, तो विजिट में जाते हैं। ओके, विजिट में जाएंगे और कुछ इस तरह से ओपन होके हमारे पास ये आ जाएगा। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमें बहुत सारे विजिट मिलेंगे, जैसे कि कैटेगरीज, कैलेंडर, HTML और गैलरी, मेटा इमेज। ओके, ये सारे हमारे विजिट्स हैं। और जो राइट हैंड साइड में आपको ये दिखाई दे रहा है, साइड बार, हेडर और फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, ये सारे क्या है हमारे पास, हमारा लेआउट है, हमारी वेबसाइट का लेआउट है। हर साइट का डिफरेंट लेआउट होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये साइट, तो ये थी हमारी साइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च की ऑप्शन है, उसके बाद पॉपुलर पोस्ट की ऑप्शन है। ओके, तो ये कैसे आई, तो लेआउट में अगर आप देखेंगे तो साइड बार में है सर्च, उसके बाद है क्या, ये पॉपुलर पोस्ट। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैंने डिलीट कर लिया इस चीज़ को। ओके, डिलीट करने के बाद ये सिर्फ सर्च रही। तो मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये पॉपुलर पोस्ट हट जाएगा यहाँ से। ओके, रिफ्रेश हो जल्दी से, यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है बहुत। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं वो हट गई। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम ऐड को शो करवा सकते हैं हेडर में या फिर साइड में। ओके, तो हमें चाहिए गूगल एडसेंस, तो गूगल एडसेंस में जाइए अपने और वहाँ पे ऐड यूनिट में जाइए, रिफ्रेश। ओके, जल्दी से हो जा, तो ऐड यूनिट में जाएंगे और यहाँ पे हमारी एड्स शो होंगी जो कि अभी शो नहीं हो रही, अब शो हो जाएंगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, गेट कोड में क्लिक करेंगे और अब हमें कोड मिल जाएगा। ओके, कोड मिल गया, कॉपी कर लिया। अब वापस से वर्डप्रेस में आएंगे, यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे कस्टम HTML में। या तो आप क्लिक कर सकते हैं और ऐड कर सकते हो इस चीज़ को, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, ड्रैग ड्रॉप, कस्टम HTML लो, क्लिक करो इसमें और ड्रैग कर दो इसको। अगर मैं कस्टम HTML को सर्च के ऊपर रखता हूँ तो ऐड सर्च के ऊपर शो होगी, अगर मैं नीचे रखता हूँ तो सर्च के नीचे ऐड शो होगी। और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देंगे ऐड वाले को और सेव कर लेंगे। और एक और कस्टम HTML में यहाँ पे इसको डन भी कर लो, कस्टम HTML लूंगा और हेडर ऐड पे रख दूंगा और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर लूंगा, सेव और डन कर लेंगे। डन करने के बाद ब्लॉग में जाइए, रिफ्रेश कीजिए और यहाँ पे हेडर में हमें ऐड शो हो गई और साथ ही साथ सर्च के नीचे भी हमें ऐड शो हो गई। तो इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में एड्स को वर्डप्रेस में या किसी और ब्लॉग में। ओके, साथ ही साथ ऑटो एड्स को कैसे यूज करते हैं ये चीज़ भी मैंने बताई है, तो आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। बाय, टेक केयर।